हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये थाला पोस का डिजाइन बनाना बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 प्लाई ऊन से बना हुआ है, इसे हम लोग 4 प्लाई ऊन से बनाएंगे। तो इसमें जितने सबसे पहले इसमें 10 चैन इस तरह से बना लेंगे। देखिए, इसमें 10 चेन बना लिए हैं, इसे यहाँ जोड़ देते हैं। अब यहाँ से 15 चेन बना लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और इसे फिर यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिर से 15 चेन बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसे फिर से जोड़ देंगे, इस बीच वाले राउंड में इस तरह से फंसा करके जोड़ देना। फिर से 15 चेन, और फिर से यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 15 चेन बना लेंगे, इस तरह से 7 बार कर लेते हैं। देखिए, ये इस तरह से 7 बार बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से हम लोग लॉन्ग भरेंगे इसमें, तो इसमें अब हम लोग 20 लॉन्ग भरेंगे इस तरह से लेकर के। इस तरह से 20 लॉन्ग भर देंगे इसमें। मैं डबल क्रोशिया को लॉन्ग बोलती हूँ। और इस वीडियो में मैं लॉन्ग ही बोलूँगी, आप लोग समझ लीजिएगा। इस तरह से 20 भर लेते हैं। ये देखिए, इसमें 20 लॉन्ग भर दिए हैं। अब सेकंड वाले में भरना है। इससे पहले यहाँ पर 3 चैन बना लेते हैं, 1, 2, 3। ये 3 चैन बना दिए हैं, फिर से यहाँ पे 20 लॉन्ग भरेंगे इस वाले में। इसी तरह से सभी में 20 लॉन्ग, फिर बीच में 3 चैन, फिर 20 लॉन्ग, इस तरह से इसे भर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 20 लॉन्ग 3 चैन इस तरह से बनाते हुए 7 इस तरह से भर दिए हैं। अब यहाँ पे 3 चैन बना के यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये 3 चैन अंत का बना दिए और यहाँ पे जोड़ देते हैं इसे। अब यहाँ से दूसरा कलर जोड़ लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से करते हैं। देखिए, अब यहाँ से जो 20 लॉन्ग बनाए थे उसमें पहला वाला लॉन्ग को छोड़ करके ये सेकंड वाले में किस तरह से करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से इसे लेना है, सॉरी, इस तरह से एक बार ले लेना है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से लेना है, और फिर इस तरह से लेना है, और इस तरह से लॉन्ग बनाना है। इसी तरह से बाकी 18 फंदों में इस तरह से करना है, अंत का 1 फंदा में नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से करते, फिर से इस तरह ले लेंगे, और फिर इस यहाँ से नहीं पास करना है, ये जो है इस तरह से पास करना है, और इस तरह से निकालते हुए इसे बनाना है। जो लॉन्ग बना है उसी में उसी से पास करना है। तो देखिए, इस तरह से 20 फंदे इसमें डाले थे नीचे वाले रेड कलर का, और 1 फंदा इधर से छोड़ देंगे, और 1 फंदा इधर का लास्ट में नहीं करेंगे, और बाकी 18 फंदों में जिस तरह से बताया उस तरह से कर लिए। देखिए, इसके पीछे की तरफ इस तरह से बन रहा है, इसी तरह से करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो 3 चैन बनाए थे उस पर 2 लॉन्ग बना देना है। तो फिर से यहाँ पे 2 लॉन्ग बना देंगे, यहाँ 3 चैन बनाए थे वहाँ पे,
और फिर यहाँ पे पहला लॉन्ग है जो नीचे रेड कलर का, उस पर नहीं बनाना है, और उसके सेकंड वाले में इस तरह से फिर से पास करके लॉन्ग बनाना है। देखिए ये जो है इस तरह से जो देख रहे हैं ये जो चैन था उसका, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, इस तरह से करना है। इसी तरह से पूरे में कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। पहली लाइन में हम लोग 20 लॉन्ग करके भरे थे, सेकंड लाइन में जिस तरह बताया है उस तरह से 18 बार इस तरह से भर दिए हैं। अब ये तीसरा लाइन जा रहा है, तो इसमें भी फिर क्या करेंगे कि पहले वाले लॉन्ग को छोड़ देंगे और फिर से उसके बाद वाले लॉन्ग से फिर से जैसे लिए थे वैसे ही लॉन्ग बना देंगे। इस तरह से इस बार बना दें। इस बार इस लाइन में हम लोगों का 16 लॉन्ग बनेगा इस तरह से, क्योंकि हर लाइन में दो दो लॉन्ग कमते जाएगा। अब इस तरह से इसमें 16 लॉन्ग कर लेते हैं। ये 16 लॉन्ग बना लिए, ये अंत का एक लॉन्ग है तो इसे छोड़ देते हैं, इसे नहीं बनाते हैं। और फिर यहाँ पे जो तीन चैन बनाए थे ऊपर में दो लॉन्ग बनाए थे, तो अब क्या करना है दोनों साइड, ये जो दो लॉन्ग है उसके दोनों साइड दो दो लॉन्ग करके बनाना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे दो लॉन्ग बना लेते हैं। एक चैन दे देते हैं और फिर यहाँ पे दो लॉन्ग बना देते हैं। दोनों साइड बना दिए। अब फिर यहाँ पे जो लॉन्ग है इसे एक लॉन्ग को छोड़ करके फिर से यहाँ पे 16 चैन बना लेंगे, सॉरी 16 लॉन्ग भर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे जहाँ दो लॉन्ग है वहाँ पे दोनों साइड में दो दो लॉन्ग करके बनाएंगे, फिर यहाँ पे 16 लॉन्ग बनाएंगे। इस तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे जिस तरह एक लॉन्ग बना हुआ है, इसके बाद एक लॉन्ग बना हुआ, इसके सॉरी यहाँ पे दो लॉन्ग बना, फिर दोनों साइड दो दो लॉन्ग करके बनना है, फिर यहाँ पे तीन बना, इसमें चार बना, इस तरह पांच बना, इस तरह से ये बढ़ते गया है। और ये जो पत्ती है यहाँ पे दो दो लॉन्ग दोनों साइड से जो हम लोग छोड़ रहे हैं तो उसी तरह इसमें कमते गया है। तो सेम ही प्रोसेस है, हर लाइन में दो दो लॉन्ग इसमें कमाना है और इधर में दो दो लॉन्ग करके इस तरह से बनाते जाना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, पहले जितना किए हैं उसके बाद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया, अभी फोर्थ रो में आ गए हैं। तो फिर से यहाँ पे पहला वाला लॉन्ग छोड़ देंगे और यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, फिर से दोनों साइड से दो लॉन्ग, एक इस साइड से और एक इस साइड से लॉन्ग छोड़ देंगे, बाकी बीच में जिस तरह से बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। इसमें जिस तरह ये एक कली जिस तरह बनेगा बाकी कली वैसे ही बनेगा, इसलिए मैं एक कली पे ध्यान दे रही हूँ, कैसे बनाना है ये मैं बता दे रही हूँ, बाकी तो सेम ही है। देखिए यहाँ अंत में आ गया है, अब यहाँ पे ये जो दो लॉन्ग के बीच में जो गैप है यहाँ पे फिर से दो लॉन्ग भर देंगे, एक चैन बना देंगे, फिर बीच में दो लॉन्ग बना देंगे। देखिए फिर से एक चैन, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से एक चैन, सॉरी चैन नहीं, फिर यहाँ पे ये लॉन्ग छोड़ के यहाँ से फिर से इसी तरह से भर देना है दूसरे वाले कली में। देखिए इस तरह से अभी हम लोग थर्ड रो में है, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये वाला बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको घटाते हुए हम लोग इतना दूर तक पहुंच गए हैं, अब समझ में आने लगा है इसकी कली। देखिए इसे इस पहले वाले लाइन में यहाँ पे 20 लॉन्ग था, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर 10, फिर 12, फिर 8, इस यहाँ पे अभी 8 लॉन्ग बना है। अब यहाँ पे इधर में तो हम लोग दो इधर और दो इधर करके लॉन्ग बनाते हुए बढ़ते जा रहे थे, तो इधर में देखिए फिर यहाँ पे दो लॉन्ग बना लिए हैं और फिर से इधर यहाँ पे दो लॉन्ग बना लेंगे। हर एक गैप में बनाते जाना।
है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से, और फिर यहाँ एक लॉन्ग छोड़ करके दूसरे से फिर इस तरह से ले करके बना लेंगे। देखिए यहाँ अंत में आ गए हैं। अब यहाँ पे इसे नहीं बिनेंगे और यहाँ पे फिर से दो लॉन्ग बना देंगे। फिर से यहाँ पे जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ दो लॉन्ग बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ तक कर लिए। इसी तरह से पूरे में गोल राउंड एक बार घूम लेंगे, इसी तरह से बना लेंगे। देखिए इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 6 लाइन में आए हैं, मतलब कि यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे अब यहाँ हम लोग बना रहे हैं। चलिए इसे पूरा इतना कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए इस वाले कली के अंत में आ गए। अंत में सिर्फ दो यहाँ पे रह गया है, तो सिर्फ दो लोग इस दोनों के बीच बना देंगे। इस तरह से, और फिर जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ पे बनाते जाना है। तो यहाँ पे बना देते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए जहाँ जहाँ गैप है वहाँ दो दो लॉन्ग करके बनाते जाना है। फिर यहाँ पे जहाँ कलिया खत्म हो रही है वहाँ पे भी दो लॉन्ग बना देना है। इसी तरह से इसे एक राउंड लगा लेते हैं। इतना बना लिया है, ये जितना कली जैसा बना हुआ है उतना बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फिर से रेड कलर जोड़ा गया है। ये देखिए इसमें कलर जोड़ दिए हैं। अब ये जो गैप है, ये हर दो दो लॉन्ग के बीच में जो गैप बना है, अब इसमें रेड कलर से दो दो लॉन्ग बनाते जाएंगे। इस तरह से पूरा में ही जो गैप है उसमें दो दो लोग भर देंगे। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसे कंप्लीट कर लिए हैं एक राउंड। अब यहाँ फिर से व्हाइट कलर का धागा जोड़ लेंगे। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग ये जो रेड कलर का जो गैप बना है रेड कलर में, वहाँ पे हम लोग व्हाइट कलर के धागे से तीन तीन लॉन्ग भरेंगे। देखिए यहाँ पे तीन लॉन्ग भरेंगे इस तरह से। पहले दो दो भर दे रहे थे, अब यहाँ पे तीन तीन लॉन्ग भर देंगे इस तरह से। चैन हम कुछ नहीं बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इस तरह से तीन भर देंगे। Yes.
इस तरह से पूरे राउंड में कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, अब देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ से तीन तीन लॉन्ग बनते गया है, हर लाइन में तीन तीन लॉन्ग बनते गया है। तो फिर से ये रेड है, इसके बाद ये पिंक, यहाँ पिंक कलर है, हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर लगा है, इसे कर लेंगे। फिर रेड कलर से तीन तीन लॉन्ग करके भर देंगे, फिर व्हाइट कलर से भर देंगे, फिर रेड कलर से भर देंगे। इस तरह से तीन लाइन व्हाइट का और चार लाइन रेड का बना लेते हैं इसमें। अब यहाँ से पहले दो दो कर रहे थे, अब यहाँ पे तीन तीन लॉन्ग करके इसे चार बार बना लेते हैं। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो लाइन हम लोग रेड का कर लिए हैं। पहले रेड लाइन में दो दो लॉन्ग करके भरे थे, अब यहाँ पे तीन तीन लॉन्ग करके पूरा एक राउंड लगा लिए हैं। अब फिर से इसमें व्हाइट कलर का धागा लगा दिए हैं ऊन। अब यहाँ से जो रेड रेड में बना है वहाँ पे तीन तीन लॉन्ग करके व्हाइट कलर से बना देंगे। इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब सिर्फ तीन तीन लॉन्ग करके भरते जाना है, और ये रेड और व्हाइट कलर का करके दो लाइन और बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 15-15 चैन बनाकर तीन तीन लॉन्ग में छोड़ छोड़ कर इस तरह से जोड़ते हुए इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर इधर में भी, ऊपर में भी ये 15-15 चैन बना के इसमें फुदना लगा दिए हैं। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो ये सब हम ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा थाला पोश अब रेडी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।